हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ ताकि आप लोग को बता सकूँ कि आप किसी भी चीज़ का रिवीजन और कैसे कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप किसी भी चीज़ को याद कैसे रख सकते हैं, मतलब कि अगर किसी चीज़ को याद करना हो तो कैसे कर सकते हैं। एक पहली चीज़ जो आपको याद की हुई चीज़ इसलिए रहती है क्योंकि उसकी आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में बन जाती है। तो आप पहली चीज़ क्या कीजिए, उस चीज़ को अपने इमेजिन कीजिए और उसकी पिक्चोरियल मेमोरी अपने माइंड के अंदर बिठाने की कोशिश कीजिए। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको दी चीज़ों जो भी आप याद करेंगे या पढ़ेंगे उसके वो आपके माइंड में बहुत देर तक रहेगी। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि माउंटेंस ऑफ इंडिया को आपको याद रखना है, तो अगर आप नेम रटेंगे और उसकी प्लेस को याद रखेंगे तो आपको कभी याद नहीं रहेगी। वही अगर आप उसको मैप पे बना के देख लेंगे, मैप पे किधर आ रही है, कौन सी स्टेट में आ रही है, तो आपको वो आपके माइंड में 2 times मोर ज़्यादा आपके माइंड में वो इस्टेब्लिश हो जाएगी इन कंपैरिजन टू जो आप कुछ बोल बोल के या फिर लिख लिख के याद करेंगे। आप एक बार पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे तो ज़्यादा याद हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ याद करते हैं ना, तो उसकी न्यूमोनिक्स बनाइए, राइट। जैसे कि मान लो मुझे अगर याद करना होगा कि सार्क की कंट्रीज, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो कि हमारे रीजन की एक ग्रुपिंग है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं, राइट। तो मुझे ये चीज़ याद करनी है, राइट। पहली तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैं याद करूँगी कि मैं पूरा क्लॉकवाइज एंगल ले लूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, देन इंडिया, देन नेपाल उसके ऊपर, देन बांग्लादेश, देन भूटान, श्रीलंका एंड देन मालदीव्स। आई विल मेक अ राउंड ओवर देयर। बट अगर इसी चीज़ को मुझको याद करना होगा इन अ निमोनिक्स, तो मैं कैसे याद करूँगी, तो मैं इसको निमोनिक्स मैंने बनाया था बी स्क्वायर हैं आप इन MS, अगर आप बी स्क्वायर हैं इन MS, या फिर आप बी स्क्वायर हैं इन MS, ठीक है, ये एक बोल सकते हैं। तो बी स्क्वायर से क्या हो गया, बांग्लादेश भूटान, इन मतलब इंडिया, एन से नेपाल, MS मतलब मालदीव, और एस मतलब श्रीलंका। तो इस तरीके से आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो कि हम पहले से करते आ रहे हो, किसी चीज़ को समझ समझ के याद कर लीजिए, ठीक है, उस चीज़ को लिख लिख के याद कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो उसको 10 लिखिए, 101% गारंटी है वो आपको 10 लिखने के बाद बिल्कुल याद हो जाएगी। आप बोलोगे इतनी सारी चीज़ कैसे लिखनी है, नहीं लिखिए, आप जो चीज़ भूल रहे हैं उसको आप कॉपी में लिखिए। जैसे कि अगर आप मान लो मैं आज इंडिया एंड वेस्ट एशिया पढ़ रही हूँ, राइट, तो मैं इंडियन वेस्ट एशिया का पूरा जो भी पॉइंट्स है, जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी, अच्छा इसमें से मुझे क्या मैं मेन पॉइंट है जो मैं भूल सकती हूँ, वो मैं लिख लूँगी, वो याद कर लूँगी, तो अब दोबारा से जब बोलूँगी अच्छा वो पॉइंट था। चौथी चीज़ है जो आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, अगर आप कोई पैरा पढ़ रहे हैं तो उसमें से कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढ लीजिए जो जिसको आपको देखने के बाद आपको वो पूरा पैरा याद आ जाएगा कि उस पैरा में क्या था। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं बोलूँ कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया क्यों अपना प्रेजेंस बनाना चाह रहा है, तो उसका एक आंसर है इंडिया इज़ बीइंग अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, ठीक है, तो इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इसलिए वो अपनी प्रेजेंस बनाना चाह रहा है। तो मेरा सारा चीज़ एक टर्म से हो गया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो एक इंडिया का इम्पोर्टेंस एज एन इंडियन ओशन रीजन मेरा एक टर्म में डिफाइन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको अपनाइए, आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी, आपको नोट्स बनाने भी मदद मिलेगी और आपको याद करने भी मदद मिलेगी। अगर आपको ये पसंद आया है या फिर आपको इससे हेल्प मिली है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।